रामनगर स्थित शकुंतला विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शनिवार सुबह छात्र छात्राओं द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। रैली ने समूचे सुपेला क्षेत्र का भ्रमण किया। रैली का नेतृत्व विद्यालय के संचालक संजय ओझा ने किया। रैली में शामिल छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विविध आयोजनों के माध्यम से वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। घर घर तिरंगा झंडा फहराने लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी के तहत सुपेला रामनगर स्थित शकुंतला विद्यालय में देश प्रेम को लेकर विविध आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बन पड़ रहा है। शनिवार को विद्यालय परिसर से विद्यालय के डायरेक्टर संजय ओझा के नेतृत्व में विद्यार्थियों द्वारा भव्य साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली का शुभारंभ अतिथियों द्वारा फीता काटकर किया गया। डायरेक्टर संजय ओझा के नेतृत्व में निकली साइकिल रैली ने कैंप और सुपेला क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा भारत माता की जय के नारे लगातार लगाए जाते रहे। साइकिल रैली का समापन विद्यालय परिसर में हुआ। डायरेक्टर संजय ओझा ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई साइकिल रैली को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, मैं संजय ओझा, डायरेक्टर शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल, और ये मेरे सारे प्यारे बच्चे, मेरे साथी, हम सब ने आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को उस कड़ी में आज हम लोगों ने झंडा रैली, तिरंगा रैली निकाली। पूरे क्षेत्र में हमारे बच्चों ने भ्रमण किया और एक उत्साह और एक उमंग आप सब देख रहे हैं रैली के माध्यम से। जगह जगह आप लोगों ने देखा कि बच्चों में कितना उत्साह है, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और इससे ये मैसेज जा रहा है पूरे क्षेत्र में कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष को कितना आनंदपूर्वक मनाने जा रहे हैं। हम सब भाग्यवान हैं कि हमें अपने इस उम्र में भी 75वां वर्ष देखने मिल गया। ये बच्चे अभी छोटे हैं, इन्हें याद रहेगा कि हम जब इस क्लासेस में पढ़ते थे तो हमने अपने डायरेक्टर के साथ, अपने टीचरों के साथ में आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया था। और 75वें वर्ष से एक तय हो गया कि हम लोग पहले कई बार कन्फ्यूज रहते थे कि 72 चल रहा है, 73 चल रहा है, लेकिन 75 वर्ष आने से हम लोगों के अंदर एक तय हो गया कि हम 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। आने वाला 76 वर्ष रहेगा और निश्चित मान के चाहिए 100वें वर्ष तक ये बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे कि पूरा भारत विश्व में जब विश्व गुरु बन जाएगा, उस समय गर्व से कहेंगे कि हम इसके आज़ादी के 75वें वर्ष में एक इसका हिस्सा थे। हम सब अपने क्षेत्र के नागरिकों से, अपने पालकों से, चूँकि हम एक संस्था से जुड़े हैं, हम अपने पालकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने घरों में 13 अगस्त से लेकर के, चूँकि आज 13 तारीख है, 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज अवश्य रूप से फहराएं। सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सबसे बहुत ही ज़्यादा विनती की है। हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारे देश प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी ने भी हम सबसे नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे घर घर तिरंगा, घर घर झंडा लगाएं और भारत का मान बढ़ाएं। पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। निश्चित रूप से मानिए कि इस तिरंगे की छाया में हम सब सुरक्षित हैं, सुखी हैं और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाला वर्ष हमारे लिए बहुत ही उज्ज्वल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको भारत की 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ की अग्रिम शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं साइकिल रैली की कुछ खास झलकियाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।